गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं, क्योंकि आप लोग सोच सकते हो शिमला का वेदर इस वक्त कैसा हुआ है। जब मैं सुबह जा रही थी यहाँ से इस रास्ते से, तो वेदर बहुत ही धूप थी और मैं इतनी चढ़ाई में चढ़ के आई तो मतलब मैं थक चुकी थी लिटरली। आप मेरा फेस भी देख सकते हो। और जब मैं क्लास से बाहर निकली तो वेदर की जो शक्ल थी, मतलब मैं खुद परेशान हो गई थी कि वेदर कैसा हो गया है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा सा अपडेट दिया जाए, क्योंकि मैं बताती हूँ आप लोगों को शिमला का वेदर कितना डेंजरस हुआ हुआ है। यार समझ ही नहीं आ रहा है, भगवान जी चाहते गए हैं कभी अच्छा मौसम कभी बुरा मौसम। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कभी भी बारिश हो सकती है, और आई थिंक आप लोगों को लिटिल लिटिल आवाज़ आ रही है कि कैसे मौसम ख़राब होने की स्थिति पर है। पर मैं आज क्लास एक ही थी तो मैं जल्दी रूम पहुँचने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को वेदर बताती हूँ कैसा हुआ हुआ है। अच्छा है बट बहुत ज़्यादा फॉगी फॉगी सा है, तो आप लोग देख सकते हो। सच आप लोगों को भी अपडेट दे दूँ कि शिमला का वेदर तो ऐसा है। तो आप लोग जहाँ जहाँ से भी हो तो आप लोग बता सकते हो आप लोगों के वहाँ कैसा वेदर चल रहा है, क्योंकि मैं तो शिमला में हूँ तो मैं आप लोगों को शिमला का अपडेट दे सकती हूँ, क्योंकि शिमला में तो वेदर बहुत ही ख़राब हुआ है और कभी भी बारिश हो सकती है। अब तो मुझे लग रहा है शिमला में छाते भी कंपलसरी हो गया, बिकॉज़ यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। बिकॉज जब मैं सुबह निकली थी तो कुछ अलग ही था और अभी कुछ अलग ही है। तो गाइज ये था शिमला का वेदर, तो मुझे बताना आप लोगों के वहाँ कैसा है वेदर। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना। तो आपको बताती रहूँगी वेदर और भी कुछ कुछ न्यूज़ें। तो इसके साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।